नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार दोबारा अपने चैनल पे। और तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्विक्सेल ब्रिज का 3ds Max में इंटीग्रेट कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब चीज़ें। अब इसको क्यों करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें बहुत हाई क्वालिटी मॉडल्स, टेक्सचर्स, आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होता है। ये गेमिंग जो होता है ना, उनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम आर्किटेक्चर में अपने प्रोजेक्ट्स में भी इसको कुछ चीज़ें इसके काम में ला सकते हैं, ठीक है। ये जो भी इनका असेट लाइब्रेरी है बहुत हाई क्वालिटी में, आपको आगे दिखाऊंगा, इसको यूज़ करके आप अपने रेंडर्स में और इम्प्रूव और जान ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे quixel.com पे आ गए हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे यहाँ से आपको ब्रिज में आना है, यहाँ पे जो दिख रहा है बी, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्विक्सेल ब्रिज का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से सिंपल आपको डाउनलोड करना है, 200-250 MB का कुछ सॉफ्टवेयर आता है, इसको आपको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर लिया, लेकिन फिर से आपको दिखाऊंगा। जैसे भी आप ओपन करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, यहाँ पे यस करना है और ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपको कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है उसको। आपको अगर नए हो यहाँ पे इस साइट पे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, सेम जो जैसे अपन करते हैं ना उस तरह से आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ चेंजेस कर लेने हैं यहाँ पे। यहाँ पे एडिट में आना है, सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी पाथ चूज़ करनी है। डिफ़ॉल्ट जो पाथ होता है ना वो सी ड्राइव में होता है, क्योंकि सी ड्राइव सिर्फ और सिर्फ मैं विंडोज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर आपका सी ड्राइव छोटा है यहाँ पे या फिर उसमें स्पेस नहीं है तो आप उस दूसरा कुछ आप जो भी ड्राइव है आप दे सकते हो। तो मैंने आप देख सकते हो मैंने जी ड्राइव यहाँ पे दिया है, उसमें एक क्विक्सेल ब्रिज का एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा जो भी मटेरियल टेक्सचर वो उस फोल्डर में डाउनलोड होंगे, ठीक है। उसके बाद आना यहाँ पे डाउनलोड सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको जो भी आपके मैप्स डाउनलोड करोगे आप, यहाँ पे आपको कौन से फाइल चाहिए उसके साथ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट के साथ जाता हूँ, क्योंकि अभी देख सकते हो जो बम्प होता है वो नॉर्मल मैप के साथ भी हम काम कर सकते हैं, जो डिफ्यूज़ होता है वो अल्बिडो की तरह काम करता है, या फिर जेपेग या होता है ना EXR बहुत हाई क्वालिटी होता है, उतना अपने को ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ही हाई क्वालिटी का कुछ बनाना है आपको, अभी आप देख सकते हो ऐसा कुछ सीन क्रिएट करना है, तब जाके आप वो EXR चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ मॉडल्स भी होते हैं, मॉडल्स भी या BX के फॉर्मेट में होते हैं, जो कि क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। आप मैक्स यूज़ करो या फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। उसके साथ साथ आपको आना है यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग में। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो एक्सपोर्ट टारगेट दिखा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने मैक्स सिलेक्ट किया था, इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे सिंपल दिखाता हूँ आपको, जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा सिंपल क्लिक करना है उसको, और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन बोल के आएगा, इंस्टॉल क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल एक दो बार पूछेगा और आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको आना है मैक्स में। मैक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा मेगा स्कैन बोल के, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है MS प्लगइन पे, ये कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे इंपोर्ट वाला ही तो डिफ़ॉल्ट चेक रहेगा, लेकिन आपको अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन में करना है। तो ये क्या होगा, एक्सपोर्ट करोगे क्विक्सेल ब्रिज टू 3ds Max में, ये डायरेक्टली आपके मैप में भी जो मटेरियल ब्राउजर होता है ना उसमें भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल मेरा यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो क्विक्सेल ब्रिज में इंस्टॉल और लॉगिन करने के बाद हम मैक्स में आ चुके हैं। मैक्स में भी यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कि क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है, ओके। इंस्टॉल तो ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, किसी का स्क्रिप्ट आ रहा है तो आपको स्क्रिप्टिंग में जाके रन स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेटअप यहाँ पे रेडी होने के बाद सिंपल आपको ब्रिज में आना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे होम दिखा रहा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी यहाँ पे दिख रही है, देखिए कलेक्शन या फिर जो भी है। तो 3DSS में जैसे आओगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, डोर्स, विंडोज, पिलर्स, जो भी है आपको जो चाहिए। आप सिंपल अभी मान लो कि मुझे, मैं 3DSS में आऊँगा, यहाँ पे मान लो कि मैं बिल्डिंग में आऊँगा और
चलो स्टेयर्स में जाएंगे, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया था। तो जैसे आप इसे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है 4K रिजोल्यूशन में। आप रिजोल्यूशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और सिंपली आपको एक्सपोर्ट क्लिक करना है। जैसे भी क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली वो आपके फाइल में आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है बहुत ज़्यादा हेवी मॉडल्स होते हैं, तो अगर आपका मशीन उतना सपोर्ट करता है तो भी तब जाके आप इस तरह से हेवी मॉडल जो भी रहेंगे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं करता है ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इतने हेवी मॉडल्स के साथ मत जाइए, जिसकी ज़रूरत है उतना यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली ये आपके मैक्स में आ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ सब चलो मान लो कि कुछ आपको मटेरियल्स भी इंपोर्ट करने हैं, मटेरियल्स की ब्राउजरी इसमें बहुत सही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सरफेसेस में आना है, यहाँ पे नंबर ऑफ देख सकते हो लिस्ट है इनके, इनका यहाँ पे मिल जाता है। वुड है जैसे होता है ना कि विनियर या फिर ये जो पैनल्स होते हैं वुड के, इस तरह से तो आप देख सकते हो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो उसमें से, या फिर जैसे प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर में भी जैसे ये वाला पेंटेड होता है ना फ्रेश, या फिर इस तरह से यूज़ कर सकते हो ये। जैसे डाउनलोड करोगे ना, चलो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ पे रेंडर इसका है, इसको क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सिंपल कलर के बजाय आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, मैं चलो इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ ये वाला ले लूँगा। चलो इसको जो भी सीन मटेरियल रहेगा आपका, इसको आपको यहाँ पे सिंपल ये वाला ऑप्शन ऑन रखना है, फिल्टर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसका नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्शन में है उसका ही दिखाएगा, ठीक है। देखिए मैं अब डीसेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, और जैसे क्लिक करूँगा इस ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इंस्टेंस। तो आप देख सकते हो मैंने डिफ्यूज क्या किया है कि सिंपल कलर लिया है यहाँ पे डिफ्यूज को, और बम्प में मैंने कुछ इस तरह से मैप दिया है, ये सेलुलर मैप है आप देख सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस जो भी है आपको, अगर सपोज मेरे साथ आपको सीखना है तो मैंने ऑलरेडी अभी 2 या 3 कोर्सेस मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। एक्सटेरियर का भी है, इंटीरियर का भी है, ठीक है, और स्पीड में कैसे काम करना है वो भी है। तो अब अगर आपको सीखना है मेरी तरफ से तो मैं आपको डेफिनेटली वो रेकमेंड करूँगा, ठीक है, आप एक बार देख सकते हो। चलिए यहाँ पे फिर से आते हैं, यहाँ पे क्विक्सेल ब्रिज में देखते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। चलो डाउनलोड हो गया, यहाँ पे सिलेक्शन में जैसे ही रहेगा आप एक्सपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाएगा, वो देख सकते हो यहाँ पे इसको असाइन हो चुका है, और यहाँ पे वो उसका मैप भी यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल ब्राउज़र में, देख सकते हो यहाँ पे। वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जो भी यहाँ पे सेटिंग रहेगा वो सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए वाला होता है, आपको ना कुछ छेड़ने की ज़रूरत है, कुछ भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए अपने हिसाब से उसको, कि क्या डिफ़ॉल्ट के साथ भी जाने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी देखिए ये क्या हुआ, हमारा जो वाइट कलर था आप देख सकते हो इससे ये डल लग रहा है कलर। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वाइट कलर है यहाँ पे अपना ये वाइट कलर, ये कलर मैं ये कलर को कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं ये जो भी यहाँ पे कंपोजिशन रहेगा ना, मैं इसको ये सब करने के बजाय मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे बिट मैप जो भी है ना इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे इसको, और यहाँ पे मैप्स वीरे कलर आएंगे, और इसमें ये कलर जो भी हमें कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे और सिंपल इसको असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपना अभी वाइट कलर आ चुका है वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, जो उसका डेप्थ रहेगा, बम्प वगैरह जो भी नीचे वाली सेटिंग्स रहेंगे ना मैप्स में, वो सारे आ जाएंगे सिवाय कलर के। तो हम उसमें थोड़ा सा हल्का सा रियलिज्म ला सकते हैं उस तरह से। मैं इसको सिंपल आपको क्विक रेंडर करके भी दिखा देता हूँ, और जब तक ये रेंडर हो जाएगा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ यहाँ पे। अभी जैसे 3D प्लांट्स है, आप प्लांट्स भी देख सकते हो यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप थोड़ा सा अगर टाइम लेके इसको देखेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं सिंपल आपको इंटीग्रेट कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है उतना बता रहा हूँ यहाँ पे। 3D एसेट्स हो गए, बिल्डिंग के अपने जो भी है पिलर्स ऐसे होते हैं ना,
देखिए यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग भी दिखा रहा है कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस तरह से ये बहुत हेवी मॉडल्स होते हैं, 3D स्कैन किए वाले जैसे होते हैं ना, इस तरह से इतना डिटेल हम तो कभी भी नहीं कर सकते। तो ये आप सिंपल यूज़ करके है ना 3D जो भी आपका रेंडर रहेगा उसमें रियलिज्म ला सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रहा है कि ये डिस्प्ले पे मैक पे साथ आया लेकिन उसको पता नहीं है कि क्या सेटिंग्स है, तो उतना आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और ये डिस्प्ले पे मोड जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको बताना है उसको कि ऑब्जेक्ट का मटेरियल यूज़ करना है आपको और कंटिन्यूटी कीप करना है। तो ये जो बाहर आ रहा था ना वो जो लाइन, उसको पकड़ के रखना है, उसको डिस्प्लेस नहीं करना है वहाँ से। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको जो, मुझे तो नहीं लगता कि अब ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा काम में आएगा अपने को, लेकिन ये जो सरफेसेस है, ये जो टेक्सचर्स है, ये काम में आ जाएंगे। चलो मैं आपको एस्फाल्ट पर दिखा देता हूँ, जैसे रोड वगैरह होता है ना। मैं यहाँ पे शायद इसको मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको यहाँ से साइड में लेके जाके यहाँ पे आप एक बार देखेंगे रेंडर की कैसा दिख रहा है। तो अभी ये हो सकता है कि आपको जो क्विक रेंडर है उसमें ना दिखा है, लेकिन जो फाइनल रेंडर रहेगा उसमें आपको वो डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। जो भी इसके डिटेल्स है ना वो आपको फाइनल रेंडर में दिखेंगे 100%, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे जो रोड है, अभी ये मेरा डिफ़ॉल्ट रोड है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। मैं सिलेक्शन में रखा हूँ रोड को और इसको सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये अपने ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको जस्ट वहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट मैप्स और इसका स्केलिंग करेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं ये स्केल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये भी ओपन कर लेता हूँ और सिंपल इसको मैं ऐसे स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। तो जितना आपको चाहिए उतना रख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये डिफ़ॉल्ट वाला आपने मैंने पहले दिया था, ये दूसरा वाला। तो यहाँ पे यूज़ ऑब्जेक्ट मटेरियल और कीप कंटिन्यूटी ऑन रखना है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर से एक बार चेक करेंगे यहाँ से, मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो इस तरह से आप अपने सीन को, अपने रेंडर को इम्प्रोवाइज कर सकते हो ये क्विक्सेल ब्रिज के जो भी सॉफ्टवेयर आता है ना उसके साथ। उनका बहुत बड़ा असेट लाइब्रेरी है, आप थोड़ा सा टाइम लेके उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, काम में आती है, अगर ये भी कुछ आपके काम में आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सोच सकते हो। तो हम और आप मिलके अपने 3ds Max की जो भी जर्नी है और जो भी आपके रेंडर्स है उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश 100% करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ।